शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। सबसे बड़ा है ज्ञान यज्ञ। जब श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। गीता में भगवान ने अर्जुन ने पूछा था कि भाई इतने यज्ञ हैं, सब लोग कई तो यज्ञों के नाम पे बलि चढ़ाते, तो अगर ये यज्ञ ही कौन सा, आप बताइए ना, थोड़ा डिस्क्लोज करके जाइए कि सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ बड़ा है। तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। अब ज्ञान यज्ञ क्यों बड़ा है वो तो भगवान ही जाने, पर भगवान ने बताया कि ज्ञान यज्ञ बड़ा है। अब ज्ञान यज्ञ क्यों बड़ा है? उस यज्ञ से तो आपको कुछ फल मिलता है, इस यज्ञ से आपको सब कुछ मिलता है, इससे आपको जीने की राह मिलती है, कैसे जीना चाहिए प्रेमियों में, लोगों में और आत्माओं में। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, ममे वासे जीवलोके जीवभूत सनातनः। इन लोगों जो भी तुम लोग जिनको अपना शत्रु मानते हो, जिनको तुम अपना दुश्मन मानते हो, क्या उनमें मेरा वास नहीं है? उनमें भी मेरा वास है। सो प्लीज डोंट हर्ट एनीवन, किसी को दुख मत दो, क्योंकि ममे वासे, मेरा हर आत्मा में वास है। तुम किसी को दुख दोगे तो तुम डायरेक्टली मुझे दुख दोगे, इसलिए किसी को दुख मत दो, क्योंकि मैं कहा नहीं हूं, ईश्वर ने कहा। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं? एक को तुम शत्रु मानते हो, मंदिर में खड़ी हुई प्रतिमा को आप भगवान मानते हो। भगवान ने स्पष्टीकरण किया है, इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत, और रामानंद गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक एवरीवेयर। दूसरी जगह उन्होंने कहा कहाऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। ये मत पूछो कहां है, ये बताओ कहां नहीं है। तो भगवान तो सब है। गीता में तो स्वयं ने कह दिया भगवान ने कि मैं हर एक आत्मा में वास करता हूं, मेरा निवास हर स्थान पे है। तो प्लीज आप एक मुझे पाने के लिए आप दूसरों को दुख तो बलि देते हैं। तो ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ी बात क्या है? बोले किसी की बलि नहीं देनी महाराज। ज्ञान यज्ञ जब होता है भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसमें किसी की बलि देते हैं नहीं। देवी देवताओं का आह्वान भी होता है, 7वें दिन पूजा हवन भी हम लोग 8वें दिन कराते हैं। अब यहाँ तो सब कुछ कराना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ तो आप आरती भी जलाते हो डरते डरते, नहीं फायर हो, फायर वाले आ जाएंगे, फायर वाले, अरे तेरा भला करे, हमको आग थोड़ी लगा रहे, हम यह भी कर रहे, पर नहीं, यहाँ की जो व्यवस्था है उनका आपको पालन करना पड़ेगा। तो क्या करें जिसकी मृत्यु 7वें दिन है? परम श्रद्धेय ऋषि सुखदेव जी महाराज वहां पर वैराग्य के चक्र चूड़ामणि, एक होता है वैराग्य त्याग, एक शब्द है कि मैं त्यागी हूं, पर मैंने त्याग किया है कि नहीं। त्याग एक अद्भुत स्थिति है, बिना त्याग के आप परमात्मा को नहीं पा सकते। पॉइंट नोट कीजिए, बिना त्याग के आप परमात्मा को नहीं पा सकते, आपको त्याग करना ही पड़ेगा। किसका त्याग करें? दौलत का, शोहरत का, किसका? बोले नहीं, सबसे पहले त्याग करो अपनी मैं का, अपने अहंकार का। और एक चीज कहना भूल जाओ कि ये सब मेरा है। कल भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, नथिंग योर्स इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज हिज। तो ये सब उसका है, तुम्हारा कुछ भी है क्या? तुम्हारा हम डूबे कहां, हम डूबे कहां? हम वहां डूबे जब हमने कह दिया ये सब हमारा है। तरे कौन जिसने कह दिया हमारा है? दुख कहां है? बोले मेरे। लोग कहां हैं, उड़ते रहते। उसके घर में आग लगी मुझे दुख होगा, मेरे घर में आग लगेगी तो दुख होगा, ये घर मेरा ही नहीं है ये सोच लोगे तो दुख होगा ही नहीं। प्रॉब्लम तो इस बात की है कि ये मेरा है इसलिए दुख है। एक सेठ जी के घर में एक संत महात्मा जी गए, प्लीज ध्यान से सुन लो, मोबाइल तो हमेशा रहेंगे आपके साथ, मैं थोड़ी रहूंगा, 3 दिन निकल गए, 4 दिन और रहूंगा आपके साथ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक संत जी गए महात्मा जी सेठ जी के पास, सेठ जी बड़े ठाकुर सेवा करते थे, बड़े प्रभु प्रेमी थे, बड़े चकाचक। तो ऐसे महात्मा जी ने पूछ लिया ये किसके बच्चे हैं, बोले ठाकुर जी। उनके बच्चे डोल रहे थे छोटे छोटे, 5-4, आपकी तरह नहीं थे एक ही करे, उनके 4-5 थे। उन्होंने पूछा ये किसके बच्चे हैं, बोले ठाकुर जी के। ओहो, बोले हाँ। ये घर किसका है, बोले ठाकुर जी का। ये लंबी सी गाड़ी किसकी है, बोले ठाकुर जी। ये दुकान किसकी, बोले ठाकुर जी की। अब देखते देखते हर चीज बोलता जाए वो ठाकुर जी की। और ये मंदिर किसका, बोले ठाकुर जी का। घर में मंदिर बना रखा था बड़ा प्यारा, रोज सेवा करता था ठाकुर जी की, खूब चकाचक सेवा करते थे ठाकुर जी की। और ये मंदिर किसका, बोले ठाकुर जी का। महात्मा जी ने इशारा करके पूछा ये ठाकुर जी किसके, बोले मेरे। अरे जब सब कुछ ठाकुर जी का है तो ये ठाकुर जी तेरे कैसे, बोले ये ही अकेले मेरे हैं बाकी सब इनका है। बाद में बजा लेना, घर जाके बजा लेना जब समझ जाओ। अब इतनी हाई पावर की स्थिति को तो समझना बहुत आसान काम नहीं है ना। सब कुछ किसका है, ठाकुर जी का। ठाकुर जी किसके हैं, और जब सब कुछ ठाकुर जी का ठाकुर जी हमारा तो सब कुछ किसका हो गया भाई। मेरे पति का मेरा हुआ, मेरे बेटे का मेरा हुआ, मेरी पत्नी का मेरा हुआ, मेरे माँ बाप का मेरा हुआ कि नहीं। अहंकार प्रॉब्लम समस्या कहां पे है कि भगवान को तो हमने साइड में बैठा रखा है मंदिर में, सुबह शाम आरती दिखा दी बहुत, उसका तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मेरा है। और ये अहंकार मुझे मारे डाल रहा है, इसने मुझे भगवान से दूर रखा हुआ है। ये मुझे भगवान का नहीं होने देता, ये मेरा कल्याण नहीं होने देता, ये मुझे दुख में रखता है। क्यों, बोले मुझे 24 घंटे लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे मेरा मेरा छोड़ो, तेरा तेरा कहना शुरू कर दोगे, और जब तेरा तेरा कहना शुरू कर दोगे तो रोओगे नहीं, पछताओगे नहीं, दुख नहीं पाओगे, रोने से बच जाओगे। और सच तो यही है कि सिर्फ ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी की दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। और इसके लिए प्रमाण सबसे बड़ा हो तो जब हम जाते हैं इस दुनिया से तो दुनिया की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, लेकिन ठाकुर से जुड़ा हुआ हरेक काम हमारे साथ जाता है। हरेक काम जो भी हम करते हैं ना वो सब हमारे साथ जाता है। उसका नाम जपो आपके साथ जाएगा, उसकी सेवा में जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो आपके साथ जाएगा, आप उसकी पूजा कर रहे हो वो आपके साथ जाएगी, आप उसे भोग लगाओ वो आपके साथ, सब कुछ जो आपने उसके लिए किया वो सब आपके साथ जाएगा। ऐसा तो राजा ने प्रश्न किया, जब गुरुदेव जी महाराज पधारे श्री सुखदेव जी महाराज तो साष्टांग दंडवत किया। हमारे माफ करना जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने बच्चों को अदब करना सिखाओ। आप चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो लेकिन अपने बच्चों से हाथ मत मिलाओ। अपने बच्चों को सिखाओ कि वो तुम्हारे पैर छुएं, हाथ न मिलाएं। बेटियों को कहो सर झुका के प्रणाम करें, हाथ न मिलाएं। उसकी नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, जैसे भी कोई गलत चीजें, कोई सामने वाले की गलत थॉट है, हाथ मिलाने से उसकी वो कुछ नेगेटिव थिंकिंग आप में भी आ सकती है। पहली बात ये मेरे मायने की नहीं है, हाथ बेटा मिलाएगा तो आप आशीर्वाद कैसे दोगे, आपकी औलाद आपके आशीर्वाद से वंचित है। आप आशीर्वाद नहीं दे पाते अपने बच्चों को। आज भी हम जब अपनी माता जी से फोन पे बात करते हैं, हम तो कहते हैं चरण छू के प्रणाम कर रहे हैं राम राम, तो कम से कम 1 मिनट लगती है आशीर्वाद लेने में हमको। 1 मिनट तक हमें चुप रहना है, क्योंकि 1 मिनट तक वो आशीर्वाद चल रहा है उनका। खुश रहो भगवान को दे ये, अब वो क्या क्या बोलती हैं वो, कई लोग के तो मीनिंग भी हम नहीं समझ पाते। वो माँ का आशीर्वाद है, माँ को भगवान नहीं समझा तो अपनी औकात क्या है। तो माँ आज के बच्चों को कहां दे पाती हो आप आशीर्वाद? बोलना कहां है नसीब आपके बच्चों को आशीर्वाद? उसकी वजह आपके बच्चों में उतनी विनम्रता नहीं है, आपके बच्चों को आपने संस्कार दिए नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी है, बच्चों की नहीं। आपने से आपने हाथ अमेरिकन बन गए, इंडियन नहीं रहे। आई एम नॉट अगेंस्ट, आप जिस कंट्री में रह रहे हो प्लीज फॉलो एवरी रूल, बट डोंट फॉरगेट योर कल्चर। इफ यू फॉरगेट योर कल्चर इट मीन्स यू लॉस्ट योर हैप्पीनेस, यू लॉस्ट योर फैमिली। आप कल्चर कैसे भूल सकते हो अपना? आपका बेटा आपका सरनेम छोड़ाकर कोई और सरनेम लगा ले, कहते मैं अमेरिका में हूं। नाम बदल लेते हैं लोग साहब, यहाँ लोग यहाँ के हिसाब से अपना नाम निकनेम रख लेते हैं अलग अलग। सही है yeah. सिर्फ दौलत कमाने के चक्कर में। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट मनी, एवरीवन नीड योर मनी, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। प्लीज थिंक ऑफ फॉर अ व्हाइल, पैसा सब कुछ नहीं है। सो आप अपने बच्चों से हाथ मत मिलाइए प्लीज। उनको सिखाइए कि आपको प्रणाम ही करना है, हम आपको आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद आपको तकलीफों से बचाएगा, जीवन में सफल करेगा। तो परीक्षित जी महाराज ने साष्टांग दंडवत किया, और साष्टांग दंडवत किया। सुखदेव जी महाराज ने देखा बड़ा अच्छा श्रोता है, बड़ा संस्कारी राजा है, पूछा गौर राजा। तो उन्होंने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ध्यान से सुनना, भागवत है और भागवत जिज्ञासु के लिए है, जो जानना चाहता है उसके लिए। कई लोग जिनका मन नहीं लगता है ना कथा में, उनका वो कौन है? वो जिज्ञासु नहीं है, वो न वो अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, न वो अपने भगवान के विषय में जानना चाहते हैं, न वो धर्म के विषय में जानना चाहते हैं। वो सिर्फ टाइम पास, अभी आए मंदिर में, आए देखा कुछ हो रहा है, 2 मिनट बैठे या 1 दिन बैठे फिर अगले दिन नहीं आए। वजह क्या है उसकी? वजह जिज्ञासा ही नहीं है। जिज्ञासा होगी तो आप अपने आप दौड़े चले आओगे। माय डियर, मिले कहां ऐसा अवसर? ऐसा अवसर मिलता है भागवत, वो भी ब्रजवासी के मुख से, वो भी आपके यहाँ घर बैठे। कितने बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो गंगा में भी आकर गोते न लगाएं। उनकी किस्मत कितनी बुरी होगी, कितनी बुरी होगी, कल्पना कर सकते हो। लोगों ने धर्म को मंदिर में बांध के रख लिया है। मेरे मंदिर के लोग वहां नहीं जाएंगे, मेरे मानने वाले लोग वहां नहीं जाएंगे, फलाने व्यक्ति। अरे तेरा भगवान भला करे, नैरो माइंडेड क्यों हो रहे हो भाई? धर्म तो इतना विस्तार है धर्म का कि वो तो हर एक विश्व में रहने वाले प्राणी तक पहुंचना चाहिए, और आप धर्म को सिर्फ मंदिर तक सीमित रखते हो। मैं तो कई जगह गया हूं ना, यूएस में, कनाडा में, यहाँ के देखा है, वो लोगों की चर्चाएं सुनते हैं कि भाई फलाने मंदिर का आदमी वहां नहीं जाता है, फलाने जगह का आदमी, उनको फॉलो करने वाला व्यक्ति उनकी कथा नहीं सुनता। तेरा भगवान भला करे, इतना लिमिटेड, इतनी पोजीशन डाउन। इसका मतलब है तुम्हारा हृदय बहुत छोटा है, इसका मतलब है तुम्हें अधिक लेने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब है अभी तुमने हरि को जाना नहीं है, इसका मतलब है अभी धर्म को तुमने पहचाना नहीं है, और की तो बात छोड़ो, अभी तेरे गुरु ने तुझे सच्चा ज्ञानी बनाया नहीं है, अभी तो वैसे ही पत्तों पे घूम रहा है। भगवान की कृपा से भारत में लाखों लोग सुनते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि तुम हमें सुनने वाले सिर्फ हमको सुनो। हम ये कहते हैं, जब हमारे आचार्य चरण सिखाते हैं, हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया, जब भी भगवान का प्रसंग सुनने को मिले दिल लगाकर सुनो, कहीं से भी मिले तुम चुनो, उसे सेलेक्ट करो, कलेक्ट करो, जीवन में उतारो, अच्छाई कहीं से भी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो महाराज उन्होंने पूछा कि जिनकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। प्रश्न गजब का है, ध्यान से सुनना। आज तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा मृत्यु से संबंधित, किया है? बोलो। आप जब भी किसी पंडित जी के पास जाते हो, संत महात्माओं के गुरुजनों के पास जाते हो, क्या पूछते हो? महाराज काम कैसा चलेगा बताओ, बेटी को वर कैसा मिलेगा बताओ, बहू कैसी आएगी बताओ, फैक्ट्री कैसी चलेगी बताओ, नई कार ले रहे हैं, नई कार ले रहे हैं। अब क्या करते हैं पंडित जी, बाहर आ जाओ। क्यों, क्या करोगे? बोले पूजन कर दो। काय का पूजन? बोले कार का। क्या करेगा नई कार लाके? बोले नई कार लाया हूँ, पूजन कर दो। ऐसा पूजन करना इस कार में जहां भी बैठ के जाऊं वहां से खूब लंबे लंबे चेक लेके आऊं। कर देंगे पंडित जी पूजन। कर दिया पंडित जी ने पूजन। अब बता कितने चेक लाए। ये सब क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी संत महात्मा गुरुजनों से नहीं पूछते हमारी मृत्यु किस दिन होगी, और होगी तो किस शुभ मुहूर्त में होगी। और महाराज ये भी नहीं बता सके तो कम से कम इतना बता दो कि मेरी मृत्यु कैसे सुधरेगी। मत बताओ कब होगी, पर ये तो बता दो कि सुधरेगी कैसे, मेरी मृत्यु कैसे सुधरेगी, कृपा करके बता दीजिए। आपको एक ही बात, राजा ने यह नहीं कहा कि मेरी मृत्यु कैसे सुधरेगी। राजा ने कहा जो मरने वाला है वो क्या करे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं। इस संसार का नाम क्या है, जिस धरती पे आप जी रहे हो इसको क्या कहते हैं? दुखालय तो कल था, आज उससे भी बढ़ गया। क्या आज इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या लोक? गोलोक, पाताल लोक, और जहां हम हैं उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। बोले महाराज कल तो आप दुखालय कह रहे थे, दुख का एंड क्या है? तो दुख का एंड क्या है? मृत्यु। दुख में जब बहुत दुखी हो उसका एंड क्या होता है? बोले मृत्यु। बोले मर गया, चलो खत्म हुआ, दुख समाप्त हुए। जिस लोक का ही नाम हो मृत्यु लोक, वहां जिंदा। अब अगर यहां पे जीवन होता तो लोग कहते जीवन लोक, इसको तो कह दिया मृत्यु लोक। जिसकी पहचान ही है मृत्यु लोक, इसका मतलब है सब कुछ कट सकता है पर मृत्यु कटने वाली नहीं है, वो आएगी ही। और जो निश्चित है, जो कंफर्म है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, कमाल करते हो, उसके बारे में एक मिनट सोचते ही नहीं है। राजा ने पूछा महाराज मरने वाला व्यक्ति क्या करे, तब गुरुदेव ने बड़ी मुस्कुराकर कहा बरिया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन तुम धन्य हो, जिसने अपने ही कल्याण के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि जो मरने वाला है वो क्या करे। और सच यह है कि मरने वाले तो सभी हैं, मरने वाले तो सभी हैं, ऐसा कौन है जो मरेगा नहीं। धन्य है राजन तुम, धन्य है। बोले जो मरने वाला है उसे भागवत श्रवण करनी चाहिए। बोले तो गुरुदेव कृपा करो हमें भागवत श्रवण करा दो। और राजा परीक्षित को श्रीमद भागवत कथा सुखदेव मुनि श्रवण करा रहे हैं। बोलो राधे राधे। भागवत प्रारंभ हुई, भागवत प्रारंभ होती है सृष्टि सृजन से, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, मानस पुत्रों को जन्म दिया। मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको कहा कि तुम विवाह करो। बोले विवाह नहीं करेंगे। हमने हमारे बच्चों को सिखाया कि धर्म करना, भक्ति करना, मंदिर जाना बुढ़ापे का काम है, लेकिन मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि अगर अच्छी चीजें आप बचपन में सीख लो तो बुढ़ापे में धोखा नहीं पाओगे, जवानी सुधर जाएगी। जिंदगी में प्रॉब्लम ही वहां आती है कि हम अच्छाई को कह देते हैं बुढ़ापे में सीखेंगे, और बुराई को सीखते हैं बचपन में, और बुराई को बचपन में सीख के जवानी में अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही अप्लाई किया बुढ़ापे में अपने सारे दुख के दरवाजे खोल देते हैं सारे। भारत से अमेरिका आना गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका से क्लब जाना गलत है। भारत से अमेरिका आना गलत नहीं, अमेरिका से क्लब जाना गलत है। भारत से अमेरिका में आना गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका में रहकर रात दिन ड्रिंक करना गलत है। आप मत मानो मेरी बात या मैं ना मानूं आपकी बात, क्या फर्क पड़ता है? मेरे और आपके अग्रीमेंट से परमात्मा तो चेंज होने वाला नहीं है, उसके तो गुरु बदलने वाले नहीं है। आप मेरी बात से एग्री ना हो, मैं आपकी बात से एग्री ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे बहुत आएंगे, आप जैसे बहुत आएंगे, लेकिन हम दोनों ही मिलकर एक दिन परमात्मा के आ जाएंगे और वहां पर किसी का कोई आर्गुमेंट वहां स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा सत्य को जानता है और उसे पता है कि तुमने गलत क्या किया और तुमने अच्छा क्या किया। He knows everything. Then he will punish you. He will punish us ना। तो जिसकी उन्होंने कहा कि भाई विवाह करो, बोले विवाह नहीं करें, भजन करें। विवाह में अगर लग गए तो फिर भजन नहीं होगा। अरे कमाल करते हो, हम तुम्हारे पिताजी हैं। बोले कोई और आज्ञा दे लो, आपके बच्चे भजन करते हैं, मंदिर बैठते हैं थोड़ी बहुत देर भी नहीं? हम ही नहीं बैठते मंदिर में, बच्चे क्या बैठे? कभी भी मत भूलो, मैंने कल भी कहा था कि 15 मिनट एवरीडे आप भगवान के सामने बैठ के अपने पूरे दिन के किए हुए कर्मों का लेखा जोखा भगवान को हर दिन दो। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, इतना गलत किया, इतना अच्छा हो गया आपकी कृपा से, लेकिन गलत तो मैंने ही किया। एवरी डे आप अपने कर्मों का लेखा जोखा 15 मिनट बैठकर परमात्मा को देंगे तो परमात्मा तुम्हें अटेंड करेगा। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। कौन देगा? बोले तुम्हें अपने अंदर से आवाज आती रहेगी अपने आप। ये मत सोचना कि यू आर अलोन, यू आर नॉट अलोन। If you are believing in God, then God will always with you. God always with you, my dear. Again, when first you believe, first you devote yourself totally, then you see, always He help you. हमेशा। अब भाई दरवाजे पे जाके मदद ही ना मांगो और कह दो भगवान उसने मेरी मदद नहीं दी तो क्या फर्क पड़ता? कह कैसे मदद कर दे? उसके जाओ, उसे अपना कहो, 15 मिनट दो उसे, और फिर चकाचक होगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। साफ दे दिया तुम बड़े नहीं होगे, तुम छोटे ही रहोगे। बोले तो साफ नहीं बरदान है, जब हम बड़े नहीं होंगे तो भजन करेंगे, भजन करेंगे तो बचपन में भजन करने का फल तो कई गुना लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं भजन बचपन में शुरू कर दो, जितनी जल्दी भजन करोगे, जितना ज्यादा बचपन में जवानी में भजन करोगे, उतना ही ज्यादा फल मिलता है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांतिदूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90 1st floor Sector 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085 फोन नंबर 01147564008 मोबाइल 9212210143 वेबसाइट www.vssct.com www.shantisevadham.in ईमेल info@vssct.com ट्विटर dn/thakur/g फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSS City।